Let's toast for friendship. Cheers. पर हमारे कैंपेन को नेगलेक्ट मत करना, कंपास स्पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा पल में लगेगा, पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हम एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, क्यों है ना जान? हाँ, सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? Let's drink for that then. मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है? कोई आया है, मैं देखती हूँ। यहाँ आंटी, आप यहाँ यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओ, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर की ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? जान मॉम, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जान, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आए। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जान। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ। मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। मॉम, वेलकम बैक। एमरे, कैसी हैं आप? माय डियर सन। वाओ मॉम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया। आई मिस्ड यू सो मच। मी टू। आइए, ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? बहुत वेरी गुड। ग्रेट। ओह, आई एम सो हैप्पी कि आप आ गई। मिसेस हुमा, ये किस बात का सेलिब्रेशन है? दरअसल बात यह है मॉम कि हमें बहुत बड़ा कैंपेन मिला है रेड मोड का। ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा है, क्या तुमने सनीम को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। दिस इज डीजे जे। अब आओ डांस कर दे। तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो? डांस करो, मैं इतने अच्छे गाने बजा रहा हूँ, आप सब लोगों को नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। क्या मॉम, आपको? नाचो। आर यू ऑलराइट? ओके, जल्दी मैं कुछ लेकर आता हूं। चलो नाचो, मुझे घूरना बंद करो, डांस करो, डांस करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दिखाई नहीं देता। वो कितनी हार्श लग रही है। क्योंकि तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो। ऐसा कोई इंसिडेंस है? हाँ, उन्हें यहाँ आने का यही वक्त मिला था। मैं पहले से ही काफी स्ट्रेस्ड हूँ और अब वो यहाँ है, अब हम क्या करें? मैं जाके उनसे मिलती हूँ। कम जाओ। ओके ओके, ये लीजिए। सनीम को देखा है क्या आपने? वो दरअसल मेरा भाई थोड़ा अपसेट हो गया। मेरी मॉम आ गई है ना, शायद उसी के साथ है। आपकी मॉम है? मॉम, इनसे मिलिए, ये है लैला। हेलो, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। लैला मेरी असिस्टेंट है। तुम्हारी असिस्टेंट, नाइस टू मीट यू।
और ये रहे मॉम डेरन, हमारी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर, सारे क्रिएटिव फैसले यही लेती है मॉम। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। सच में? हेलो, मैं हूँ ज़ेबा। नाइस टू मॉम जेडा, हमारी दोस्त है और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्लाइंट भी, कॉम्पस स्पोर्ट्स की सीईओ। रियली? बिल्कुल। I'm very glad to meet you. Mr. Imre और Mr. John की मॉम सूट होती हैं। आप एकदम यंग और ब्यूटीफुल वुमन हैं, कहना पड़ेगा। हाँ, exactly. तुम बहुत एलिगेंट हो सेरा। आप भी। जॉन कहीं नजर नहीं आ रहे? वो अपनी मॉम को और नहीं झेल सकता। आ, शायद मेरे लिए कोई वेलकम गिफ्ट लेने गया होगा। मॉम ये रहा जेजे, हमारा बहुत ही स्पेशल एम्प्लॉय है ये, इसकी जितनी तारीफ पर उतनी कम है। हेलो मिसेस हुलिया। उमा, और मॉम उसके बाजू में है ब्यूटीफुल कुलीस। हाय एम्रे, क्या हम ये इंट्रोडक्शन सेरेमनी पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, तुम्हें पता है ना। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। जरूर, हम जल्दी से पार्टी खत्म कर देंगे ताकि आप माँ बेटे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता सके। तुम कितनी काइंड हो डेरन, मुझे लगता है हमारी एनर्जी मैच होती है। सच में आपको भी ऐसा ही लगता है? हमारी एनर्जी सेम लेवल पर है। ओके गाइस, अब पार्टी एंड करने का वक्त आ गया है, चलो। गुड इवनिंग। ओ नो, हम थोड़ी देर यहीं रुके, हम बातें कर सकते हैं। With pleasure. जी जी, मैंने होलिया कहा? तुमने कहा उनका थोड़ा तो और enjoy करते। शायद मुझसे गड़बड़ हो गई, I'm sorry. क्या करूँ, कभी कभी slip of tongue हो जाता है। आप ठीक है जान? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान, आप इतनी फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? I'm sorry, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मैं ड्राइव करूँ? नहीं, मैं स्लो चलूंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। तो तुम्हारे डैड ने कैंपस स्पोर्ट्स तुम्हें दिया? हाँ, मिसेस होमा, पिछले साल मेरी मॉम गुजर गई। सुपर्ब, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा मतलब है सॉरी, मे शी रेस्ट इन पीस। थैंक्स हुमा। तो तुम्हारे डैड कैसे हैं? क्या वो रिकवर हो गए हैं? हाँ थोड़े बहुत, अब वो वर्ल्ड टूर के लिए गए हैं उनकी नई यंग वाइफ के साथ। तो उनकी शादी हो गई? हाँ। ये लीजिए मॉम। थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे डैड को पहले से जानती हूँ, वो काफी डिसिप्लिन बिजनेसमैन थे और ऐसा कभी नहीं लगा कि वो अपनी पावर किसी और को सौंप देंगे। हाँ वो ऐसे ही हैं। तुम्हारी और जॉन की स्टोरी लगभग सेम है ना एम्रे? हाँ, मैंने इस बारे में जड़ा से बात की थी जब हम पहले मिले थे। शायद इसी पोस्ट की वजह से हम दोनों जल्दी फ्रेंड्स बन गए। सुपर, तो फाइनली अब जॉन और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड होगा। हाँ सही कहा। मैं काफी लकी हूँ, मुझे जान के साथ काम करने का मौका मिला। मिसेस उमा, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। या पर प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने आओगी। द प्लेजर इज ऑन माइन। मैं तुम्हारा नंबर एमरे से ले लूंगी। सी यू, टेक केयर, गुड बाय स्वीटी। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू मिस्टर एम्रे, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। क्लासी क्लासी, अब मुझे अच्छा लग रहा है।
जान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या? आई मीन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी, हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में क्या कह रही है? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारे बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इस वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी, बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ये कैसा कोइंसिडेंस है? तुम सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज़ पढ़ी होगी। इंस्पेक्शन? हाँ, मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी, चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ इमरे की मॉम है। पर फिर सनम, पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ, अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। उसे अपने बाल कटवाने चाहिए, अपनी स्टाइल चेंज करनी चाहिए और शायद अपने कपड़े भी चेंज करने चाहिए। क्या कहते हो? आपको ये बात मेरे भाई से कहनी चाहिए। मॉम कहती नहीं उन्हें क्या चाहिए, वो कर लेती हैं। मुझे पता है, पर आप अचानक कैसे आ गई? ऐसा क्या हो गया? मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से थोड़े ही जानना है। हर रोज एक नया इशू रहता है, रोज एक नया स्कैंडल, रोज एक नया ड्रामा। वैसे एमरे, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं यहाँ आई? ओह ऑफ कोर्स मॉम, आई एम रियली हैप्पी। आप आने से पहले मुझे कॉल कर देती ना तो मैं भाई को प्रिपेयर कर देता। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि वो कभी प्रिपेयर नहीं हो सकता। उसे लगता है कि वो मुझे हेट करता है, पर मैं सही टाइम पर आई हूँ। क्या मतलब? तुम्हें नजर नहीं आता क्या वो सच में उस लड़की के साथ है? क्या नाम है उसका? सैमा। सनम नाम है उसका। हाँ, सनम। मॉम क्या करे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह नो, अनबिलीवेबल। तुम्हारे डैड के भी काफी लोअर क्लास प्लेजर्स थे, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जिंदगी में हमेशा सेडा जैसी चॉइस होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सेडा तुम्हारे भाई में बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड। तो फिर तुम्हारी मॉम किस लिए है? किस लिए है? अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए। आई थिंक आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सच में। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मुझे एडवाइस मत दो। ठीक है, अब आप बताइए हमारे स्टेप डैड मिस्टर एरोल कैसे हैं? हमारा डिवोर्स हो गया। क्या, क्यों? मुझे कोई खुश नहीं रख सकता सिवाय मेरे बेटों के, और ये तुम जानते हो। Come on. आओ। आप मुझे बता सकती हैं? मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। ठीक है ठीक है, पर मैं आपके साथ हूँ, ऑलराइट? आप सैड मत होइए ऐसे। अच्छा, तो अब तुम बताओ आइलिन कैसी है, क्या कर रही है? हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मॉम। आप इन सब बातों को छोड़िए ना, आपका लगेज कहाँ है?
मैं वो होटल में छोड़कर यहाँ चली आई अपने बेटे को देखने के लिए। मेरा बच्चा, मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। क्या तुम मुझे होटल ले चलोगे माय डियर? क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो जान यहाँ नहीं आएगा, तो उसे कॉल करके बता देना। आप उसे अच्छे से जानती हैं। मैं उसकी मॉम हूँ, ये बात वो माने या ना माने ये सच है। चलो ठीक है, आज के लिए सही है मॉम, पर आप हमेशा होटल में नहीं रह सकती। फिलहाल के लिए ठीक है, अब चलो। ठीक है जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए, शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता। नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है, पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए, शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जान? मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है, उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी, सॉरी, लैला का मैसेज आया है, वो मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। यू मीन जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा, ज़ैदा, ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है चलते हैं। तो तुम्हें वो औरत पसंद नहीं आई? हाँ वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे वो बहुत एरोगेंट लगी, चालाक लगी थोड़ी। हाँ वो तो वैसी ही थी। डैड आ गए? हाँ लगता तो है वही होंगे, और कौन होगा? मैं आ गई। सनीम आई है, और कौन हो सकता है? मॉम क्या हो गया, आपने दरवाजे पर मेरा? मैंने सुना जान की मॉम आई थी, कैसी है वो बताओ मुझे। क्या स्पीड है, तुमने इन्हें बताया है ना? क्या मैं कोई अजनबी हूँ, मुझे सब बताना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या हुआ। नहीं मॉम इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, बस यहाँ बैठ। बस एक गड़बड़ हो गई, वो एक बॉम्ब की तरह आ गई। तो जैसे ही वो आई जान वहाँ से चला गया? हाँ हम चले गए। देखा लैला को भी पसंद नहीं आई। हाँ वो काफी अलग थी। हाँ तुमने ही तो कहा ना तुम्हें नहीं पसंद आई। अच्छा छोड़ो आगे बताओ। ठीक है आपको पता है वो कौन है? जान की मॉम मतलब वो औरत जिससे हमारी बहस हो गई थी और जिसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ वो भी ऐसी है क्या, बड़ी नकचड़ी? नहीं उसके जैसी नहीं, वो वही है जान की मॉम है वो। क्या क्या? हाँ कह दो कि ये झूठ है। हाँ नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ओह गॉड, सुबह वाली औरत यही थी? आए, ये वही औरत है जिसे पैसों का घमंड था, जिसके पीछे आईसोन और एहसान पड़े थे। ओहो ये क्या हो गया? क्या वो सच में जान की मॉम है? वो यहाँ सब कुछ जानने आई थी, वो यहाँ जानने आई थी कि कौन क्या करता है, कौन क्या है, मुझे पता है। जान ने भी मुझसे यही कहा। मुझे भी यही लगा था। अच्छा छोड़ो, लेकिन जब उसने तुम्हें वहाँ देखा तो उसका रिएक्शन क्या था ये बताओ। नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जब डोरबेल बजी तो मैं दरवाजा खोलने गई, मैं पहले से नाराज थी उन बिल्लियों की वजह से, और फिर दरवाजे पर हमारी बहस हो गई थी, बहुत बुरी बहस। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा सनीम। तुमने जो किया अच्छा किया, इसमें क्या बुराई है बताओ, बताओ मुझे। और फिर जान ने उन्हें मॉम बुलाया तो मैं इतनी शॉक हो गई, मैं बहुत शॉक हो गई, मैं कुछ नहीं कह पाई। और उससे पहले मैंने उससे क्या कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है। ओ यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कहा कि जाओ जाकर उसे बुलाओ जिसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है, ऐसा मैंने उसे चिल्ला कर कहा। और फिर वो अपना कोट और बैग मुझे थमा रही थी तो मैंने कहा अपना सामान खुद उठाओ। बहुत बहुत गुस्सा थी मैं, फालतू में चिल्लाया मैंने। वेलकम भाई। थैंक्स। क्या वो चली गई? हाँ वो चली गई, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा भाई,
वो यहाँ आई क्यों थी? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना उन्हें? नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूंगा, मैं भी उनके आने से बहुत शौक था। क्या तुमने उन्हें सनम के बारे में बताया? उन्हें तो उसका एरिया भी पता चल गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा, उन्होंने न्यूज में देखा था तुम्हारे बारे में। मैंने बस इतना कहा कि ये बात सच है। वो सनम के एरिया गई थी और वहां उन्होंने नाटक किया कि उनकी कार खराब हो गई है। तो अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो किसने बताया होगा? हाँ बोलो, तुम्हारे अलावा कोई कॉन्टेक्ट में नहीं उनके? मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं, आइलेन होगी। हाँ जरूर आइलेन ही होगी, आखिर वही तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। उससे छुटकारा कब दिलवाओगे ब्रो? तुम फिक्र मत करो, मॉम को मैंने अच्छे से वॉर्न कर दिया है कि उसे करीब ना जाए, और ये भी कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उन्हें ये बताया तो आइलैंड के और करीब हो जाएगी और वो उससे और सवाल करने लग जाएगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज आगे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी मत बताना, ओके? तुम सही हो। पर वो अचानक यहाँ आई क्यों? उनका प्लान क्या है, पता है? आइडिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्लान है। वो घबरा गई थी कि तुम्हें कस्टडी में ना ले जाए, फिर मैंने उन्हें काम किया, पर अब मुझे दिख रहा है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बस उनके हिसाब से होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेंगी, उनका अपना हस्बैंड है। कुछ दिनों में बोर हो जाएंगी और फिर यहाँ से चली जाएंगी। नहीं, उनका डिवोर्स हो गया। हाँ देखा ना तुमने, उनका रीजन अब क्लियर है। मुझे आकर मिलने का यही एक रीजन है। वो किसी को ढूंढ रही है जिससे वो सिंपति गेन कर सके, और वो बोर हो जाएंगी तो वो वापस चली जाएगी, क्योंकि हमेशा वो यही तो करती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, उन्हें तुम्हारी सच में फिक्र है। क्या उन्हें मेरी फिक्र है? पर किस बात की फिक्र है उन्हें मेरी? उन्हें तब तो मेरी फिक्र नहीं हुई जब होनी चाहिए थी। मेरे बर्थडे आते थे, बास्केटबॉल गेम्स, मदर्स डे पर, क्या और काउंट करवाऊं मैं? उन्हें तब तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हुई जब मैं उन्हें ढूंढ रहा था। एनीवे, जाने दो ये सारी बातें, मैं सोने जा रहा हूं। अब वो कहीं तुम्हारा काम ना बिगाड़ दे, नजर ना लगे तुम्हें। मॉम, अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उनसे माफी मांगूं? तुम ऐसा क्यों करोगी? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है। हाँ नहीं, हाँ मॉम सही कह रही है, जब वो आई थी तो वो तुम्हारे बारे में जानती थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे नौकर समझने का नाटक किया। हाँ बिल्कुल, अगर वो परेशान करेगी तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊं। मॉम आप शांत रहिए प्लीज, शांत हो जाइए। साल भर अपने बेटे को कॉल नहीं करती है और एक दिन अचानक आग टपकती है, क्यों? क्योंकि जान के लिए तुम्हारी फीलिंग सच्ची है मेरी बेटी, और वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। उसे खुद पर हावी बिल्कुल मत होने देना। मॉम आप इस समय बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। हाँ मॉम आप सनेम के बीच में मत बोलिए, वो उनकी मॉम है, सो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें उनके साथ जल्द से जल्द सुलह करनी होगी। हाँ मैं जानती हूँ, जान उन्हें अपनी मॉम नहीं मानते, पर वो है और वो उनसे प्यार करती है, मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ देखो, हाँ वो तो है, माँ बेटे को कोई अलग थोड़ी ना कर सकता है। वैसे वो काफी मतलब इसी है, हम उसके जैसा बर्ताव नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं, हमें ये सूट नहीं करता। छोड़ो इन बातों को, तुमसे प्यार कौन नहीं करेगा? जो नहीं करेंगे वो बेवकूफ होंगे, धीरे धीरे वो भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। Exactly. नहीं नहीं, व्हाट? आप सही मायने में पजल के पीसेस सॉल्व हो रहे हैं। उनका यहाँ मोहल्ले में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं। मॉम अब आपने मेरी आंखें खोल दी है। नहीं, नहीं। कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। ऐसा हाँ, मैं समझ गई, ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, उन्होंने बिल्ली के शॉट पर जानबूझकर लात मारी थी। नहीं, देखो अभी तक वो शादी ऐसे ही नहीं प्रपोजल लेकर सुनने आया, अभी तो ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी बात सुनो मॉम, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मॉम, मैं सही कह रही हूं। उन्होंने नहीं, गलत कह रही हो तुम, अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ गलत है, चुप रहो तुम दोनों। हां मॉम, मॉम गुलीस जल्दी लाओ, क्या कर रही हो? Very good. अब मुझसे नहीं होगा। क्या कर रही हो तुम? मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं करने वाला, तुम्हें पता है। ये आवाज काफी डोमिनेंट है। आइलीन आ रही है। आइलीन नहीं, मिसेस उमा आ रही है, मिसेस उमा। वो जरूर आज किसी ना किसी को नौकरी से निकालने वाली है, मुझे यकीन है, और मुझे लगता है मैं ही जाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेस उमा। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मिसेस हुमा भुलिया। हुमा जे जे इथियोपिया 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 यहाँ से बहुत दूर है, वो मुझे जरूर वहाँ भेजने वाली है, वो मुझे नौकरी से निकालने वाली है। कॉफी कॉफी, क्या ये बीन्स इथियोपिया से आए हैं? हाँ, It smells so good. जवाब दो, क्या ये बीन्स इथियोपिया से लाए हैं गुलीज? जी हाँ, इथियोपिया से ही आए हैं काफी। ओह वंडरफुल वंडरफुल। मिसेस, ये कॉफी मैंने खास आपके लिए बनाई है। यू नो, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है। यू नो, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरा बेस्ट ऑफिस बॉय, क्या नाम है तुम्हारा? जे जे। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ऑफिस बॉय ज्यादा बेहतर है। ऑफिस बॉय, ओके। ऑफिस बॉय, माय कोट। मिसेस हुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। आप कितनी जल्दी आ गई, बहुत अच्छा सरप्राइज है, सो नाइस। मैं कहाँ बैठूं? आइए आइए प्लीज, खड़ी मत रही, तुमने उन्हें कॉफी दी ना? उनके हाथ में कॉफी है, जरा ठीक से देखिए, फिर मुझसे बात कीजिए। ऑफिस बॉय, उससे संभल कर रहो, ब्रांडेड है। मेरा मजाक उड़ा रही हो गुलीज? जानती हो मैं तुम्हें ये कोट खिलाने वाला हूँ, और ये ब्रांड को अपने मुंह में रख दो, समझी? ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तुम्हें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मुझे पागल मत करो, मैं और पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना गुलीज? चुप रहो, मुंह पे ताला लगाओ। फिस बॉय, मुझे कॉफी दो, कॉफी दो मुझे, उन्होंने मेरी कॉफी छीन ली, मुझे वो इथियोपियन कॉफी चाहिए। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा वो मुझे इथियोपिया भेजने वाली है। बेटा, बिना नाश्ता किए जा रही हो? मॉम, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हम कुछ खा लेंगे रास्ते में। सनीम, तुम कभी ज्यादा नहीं सोचती हो, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, आज हम लेट हो गए। हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही थक गई थी कल। चलो अब जल्दी चलते हैं। ओके ओके, अब हम क्या करें? ऊपर हाँ, जा रहे हैं। उस्मान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हो? हम लेट हो गए हैं। तुम भी काम पर जा रहे हो? नहीं, मैं काम से वापस आ रहा हूँ इस वक्त। दरअसल रात के सीन में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। आओ, मैं तुम लोगों को ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम थक गए होगे ना, हम चले जाएंगे। नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हारी आंखें तो देखो, सच में काफी नींद भरी है, हमें अभी जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है उस्मान। ठीक है ठीक है, पर उस्मान हमें निकलना चाहिए, लेट हो गया है, चलो बाद में मिलते हैं, तुम आराम करो, ठीक है? बाय बाय। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। हाँ उस्मान, टू द कार, सी यू। ओह बेचारा। हाँ ना, उसने रात भर काम किया है बेचारा। मैंने अभी क्या कहा? बेचारा कहा, मुझे क्यों दया आ रही है? हाँ चलता है सनीम, जल्दी चलो यार। चलो चलो, हम जल्दी चलो, लेट हो रहा है। वो गलती करने पर मजबूर करती है। कुछ भी मत कहो, चुप रहो, जरा देखो तो। गलती करने पर मजबूर करती है, मजबूर। मिसेस हुमा। आइलैंड माय डियर, वेलकम। जब भी उसे देखता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या सच में? अब एडवेंचर शुरू होने वाला है। कैसा एडवेंचर? जरा मिसेस हुलिया को तो देखो। देखो उन्हें, वो कितने अच्छे दोस्त लग रहे हैं। वो अच्छा? छोड़ो छोड़ो उन्हें, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक यू सो मच। और ये शूज आपने स्पेशली अपने लिए ही बनवाए होंगे। हाँ मुझे भी अच्छे लगे। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। अरे ये क्या, आइलिन से इतना प्यार से बात कर रही हैं? लगता है इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। चुप रहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये यहाँ क्यों खड़ी है? इन्हें कोई केबिन नहीं दिया? मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी। आप मेरे साथ आइए मिसेस हुमा, हम एमरे के केबिन में चलते हैं। मैं जा रही थी, मिसेस हुमा की कॉफी खत्म हो गई है, इसे ले जाओ। ओह आई एम सो ग्लैड। अरे अब देखना, वो मुझे ही बुलाएगी। 3 2 1 जे जे। हाँ जे जे, कॉफी। Yes, Miss Devin. जल्दी आओ।
अरे मिस देवन क्या कर रही है, शांत हो जाइए, लाइए मुझे दीजिए। ये तो ड्रैगन हो गई है, हाँ करके आग पे आग उगल रही है। अरे नहीं एक मिनट, लेकिन वो आग कैसे उगल सकता है? So, कैसी हैं आप? Not good, Aylin, not good. सनम से मिली आप? आपको वो जगह मिली जो मैंने डिस्क्राइब की थी? हाँ मिली, मिली थी। उसकी मॉम से भी मिली। सब कुछ वैसा था जैसे तुमने बताया। कितनी लोअर क्लास है वो लोग, कितने ऑर्डिनरी हैं। शायद उन्होंने जान को पकड़कर अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। हाँ मिसेस हुमा, पर जान इन सब बातों से अनजान है, उसे रियलिटी दिखाई नहीं दे रही। और एक बात बताऊँ, अब वो एमले के पीछे भी पड़ी हुई है। कौन? सनम की बहन लैला। लैला? असिस्टेंट लैला? हाँ, आप उससे भी मिली? हाँ मैं उससे भी मिली। ओह माय गॉड, मेरे बेटों को हो क्या गया है? और तुम और एमरे? एमरे ने कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हाँ पूछिए ही मत, एमरे मुझसे बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पर उसने जो कहा मैंने माना। पर वो लैला, उस लैला की वजह से ही आज हम दोनों अलग हो गए हैं। मुझे इतना अकेला अकेला महसूस हो रहा था, पर मैं क्या करती बताइए? जान को कैसे बचाती? कंपनी और एमरी को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों की वजह से सब कुछ खोने की कगार पर आ गए हैं हम लोग, आप जानती हैं। ओह माय डियर, अच्छा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। ओके मैं आ गई हूँ ना, अब तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गई। अच्छा सुनो, इधर आओ। मेरा फोन बज रहा है, ये इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, पकड़ो इसे। कौन कॉल कर रहा है? ये लड़का बहुत अजीब है। पता है मैं उसे बार बार कह रहा था कि मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ, पर वो दोनों मानी नहीं। भाई मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हो लैला से। ये तुम क्या कह रही हो? देखो मुझ पर गुस्सा मत करना, आपको बुरा ना लगे, इसलिए मैं इतने दिनों से शांत बैठी हूँ, पर अब बस बहुत हो गया। आपको याद नहीं वो एमरे के साथ दो दिन पहले थी? हाँ मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। मुझे पता है, पर वो सब पास्ट की बात है। लैला ने आखिर उसका असली चेहरा देख लिया और मैंने भी उसे अपने दिल की बात बता दी। अब सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए फील करती है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम उसने आपको अपसेट किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। भले ही वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई मैं नहीं चाहती कि आप दुखी रहो, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, मुझे फिक्र होती है। इतना प्यार करती है मुझसे? फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं लैला से शादी करूँगा। और शॉप कैसी चल रही है, सच सच बताओ? अच्छी चल रही है, बाकी सब अनल करता है, मैं तो बस मॉडल की तरह खड़ी रहती हूँ। मैं बस अंडे अरेंज करती हूँ, थोड़ा लोगों को सर्व करती हूँ, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। आप बताओ आपका एक्टिंग करियर कैसा चल रहा है? देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ओके हाँ हाँ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक्स भाई। मैं आपके लिए एक पोलर पजामा लेकर आई हूँ, उसे पहन लेना, ठंड नहीं लगेगी। इधर आओ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। आप भी ना। अच्छा मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, आप नहा लो और फिर सो जाना। ठीक है ठीक है। अब तुम जाओ। यहाँ एमरे से मन भरा नहीं कि मेरे। हाँ इसकी काफी ट्रॉपिकल टेस्ट है, ये जरूर इथियोपिया से लाई होगी या होंडुरास या शायद इंडोनेशिया, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना होगा, लेकिन इसकी खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे
से टेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि ये हिमालय से लाई है। हुमलाया, हाँ मैं अकेले नहीं कह सकता। हुमाया, हुमायाल, हुमायाल। अरे नहीं, मैं फिर से अपसेट हो गया हूँ। एनीवे, शांत रहने की कोशिश करो। हाँ, इस चीज पर मेरा कमेंट ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही शार्प है, पर लास्ट में आपको एक सावर टेस्ट आती है। हाँ, ये हो सकता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और सामने काफी अंधेरा है। मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉफी पीने की वजह से फिर से लो हो रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर टाइप की कॉफी पी रहा हूँ ताकि मिस हुलिया मुझे अप्रिशिएट करे। उमा जेजे, तुम कब सीखोगे? मैं अलग अलग कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में हर कोई तरक्की कर रहा है सिवाय मेरे। वो मुझे ऑफिस बॉय बुलाती हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ हाँ, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम बस ध्यान रखो वो बिग बॉस है, वो एक मिनट में तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं, समझे? तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें क्या करना है, उसका मन जहाँ हो वो वहाँ जा सकती है। अब तुम जाकर उसकी कंप्लेन करो। टीचर सनम अभी तक ऑफिस में नहीं आई, इस बहाने तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इसका क्या कनेक्शन है, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी, पर ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूं। मैं बात होना नहीं हूं। जा रही हूँ। तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता। ओके सनम, हैव अ नाइस डे। यू टू लैला, बाद में मिलते हैं। सनम, क्या? सनम, क्या? सनम, क्या हुआ? सनम, तुम कहाँ थी? सनम बताओ, कहाँ थी तुम? आज मैं लेट हो गई, क्या किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा? नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? मिसेस हुलिया यहाँ आई हैं, ऐसे वक्त पर मुझे बताया करो ताकि मैं तुम्हारे एब्सेंस में मैनेज कर सकूं। मिसेस हुलिया यहाँ हैं, उन्होंने अपनी लंबी हील से हमारे दिमाग में छेद कर दिया है। आज सुबह से वो काफी परेशान हैं और हमें भी परेशान कर रही हैं। कौन है मिसेस हुलिया? मिस्टर जान की मॉम, मिसेस ह्यूमा जे जे। हाँ मिसेस ह्यूमा, मिसेस ह्यूमा नाम है उनका। जे जे, मिसेस ह्यूमा, ठीक से बोलो जे जे। मिसेस ह्यूमा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। वो देखो, मिसेस हुलमा जा रही है। क्या? देखो देखो देखो, वो देख रही है। मत देखो, ऐसे मत देखो, वो मेडुसा है। मेडुसा? वो कैसे? कैरेक्टर वैसा है, जब वैसे देखते हैं हम अपना होश खो देते हैं। हाँ, और उनके बाल में भी सांप है। वही है मेडुसा विद स्नेक्स, सांपों वाली मेडुसा। ठीक है ठीक है, क्या किसी ने नोटिस किया कि मैं आज ले गई? बिल्कुल नहीं। ओके अच्छा है, फिर इन फाइल्स का काम पेंडिंग है और मुझे वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज चाहिए। हाँ हाँ, और सब टाइम पर यहाँ आने चाहिए। पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि तुम लेट हो गई हो। तो क्या चल रहा है मिस सनम? हाय मिस डेरेन, लगता है आपको मेरे बारे में पता चल गया। हाय मिस डेरेन, मैं आज काफी लेट हो गई थी और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम काम कर रहे हैं सनम, तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, श्योर, हम काम कर रहे हैं। तुमने बताया ना कि मैं लेट हो गई। मैंने कब कहा तुम लेट हो गई हो? हाँ, तो इस तरह तुम मेरा एब्सेंस मैनेज करते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, तो लेजी बॉसेस अभी आए हैं। तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है? आप वापस गई नहीं अभी तक, आई होप कि आप जल्दी चली जाएंगी। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट डाउन करनी पड़ती है, सो गुड लक फॉर दैट। भाई ये जगह सही नहीं है। जान, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों करते हो। क्या आप चाहती है कि मैं इन सब लोगों के सामने डिस्कस करूं? हां, मुझे लगा ही था। यही तुम्हारा नाम होना चाहिए था।
दुकान लुट जाए, इसे होश ही नहीं। क्या हुआ? क्या मीवी के भी क्या हुआ? उनकी रहने वाले क्या क्या क्या? मैं सुन नहीं रहा था, मैं बस आंखें बंद करके सोच रहा था। ये बात है, वो कैसी आवाज थी जो थी? वो क्या है, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया इसलिए झपकी लग गई। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, और अगर कोई झपकी लेता है तो इतने बड़े बड़े खर्राटे नहीं लेता ना। अरे नहीं, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो बताओ? आज बंद गोभी बनाऊंगी। गोभी बनाओगी? हाँ गोभी। मेरे लिए? जान के लिए। हमेशा उसके लिए। ओह, तुम्हें तो होटल का खाना पसंद है, तो उन्हीं से कहो ना, गोभी बना देंगे। मैं जो बनाऊंगी उस पर तो बहुत कुछ होगा, जैसे ऊपर से रेड पेपर पेस्ट होगा, बटर होगा, बहुत से मसाले डालूंगी, ऊपर से फिर क्रीमी योगर्ट भी तो होगा ना। खैर, तुम्हें तो रेस्टोरेंट का पसंद है, तो घर का तुम क्यों खाओगे भला? तुम वही का खाओ, ठीक है? तुम उसके लिए क्यों बना रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो भला? इन दिनों वो कई सारी प्रॉब्लम से गुजरा है, तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊंगी। हम भी तो प्रॉब्लम से गुजरे हैं। और उस दिन जो एक औरत यहाँ आई थी, वो जान की माँ है, बहुत ही अकड़ू औरत है, बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी की है, बहुत अकड़ दिखा रही थी। कौन औरत, कौन है वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता होगा? अगर तुम बताओगी तो पता चलेगा ना मुझे। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत से काम करने, मैं चलती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। दो पैकेट दूध और एक किलो शक्कर दी, ठीक है? आज हस्बैंड को खीर बनाकर देनी है। चावल की खीर? हाँ, वो बंद गोभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे पास बंद गोभी नहीं है, पर हम खीर जरूर खाएंगे। वेलकम। तुमने मेरी मॉम को बताया ना कि सनम कहाँ रहती है? हाँ, मैंने ही बताया तो। आइलिन, तुम्हें शेयर्स मिल गए ना, तो क्या तुम अब चुपचाप नहीं रह सकती हो? हमारे पेशेंट्स की लिमिट मत चेक करो। तुम मेरी मॉम से जान और सनम के बारे में कुछ भी नहीं कहोगी, समझ गई? ओह एम्रे, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम कब से अपने भाई के इतने एडिक्ट हो गए हो। कल तक तो तुम, मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मुझे अपनी गलतियों पर रिग्रेट होता है। तुम्हारे प्यार में पढ़कर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने भाई को अपसेट नहीं करूंगा, तो प्लीज तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है ये सब लैला की वजह से हो रहा है ना? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, आई डोंट केयर। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर सुपर सुपर, काफी अच्छी है। बॉन एपिटीट जान। जान जान जान, क्या छिप क्यों रही हो? बोलो जान, आपकी मॉम यहाँ? हाँ, वो आ सकती है, पर मैं क्या करूँ, वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं यहाँ। वैसे जान, आप ऐसा मत करोगे, आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्री का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है, मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है, वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क, काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, ये रहा। हाँ ठीक है, आई विल स्टार्ट। हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है, और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस, ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है। वाओ, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिका कॉल,
वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान, सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने, सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूँ। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ कर ले जो कर रहे हैं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है जान। सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना तो तुम उससे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। हाँ मिसेस हुमा, मैं आपको हमारी जीनियस क्रिएटिव टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, ये रहे हमारे स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो कम्युनिकेशन क्रू, सोशल मीडिया मॉन्स्टर्स, ये पोस्ट प्रोडक्शन ग्रुप, और ये रहे हमारे फ्रेंड्स जो हमारे लिए काम करते हैं। गुलीज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ सब लोग मिसेस हुमा का वेलकम करो। यह क्राउड थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया है? क्या हुआ, क्या बोल रही है, क्या हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो काम के टाइम और लोग चाहिए होते हैं, ये इतने काफी नहीं है, आई नीड मोर। ब्रावो ब्रावो, तालियां बजाओ। तुमने तो हमें डरा ही दिया, तुम सच में पागल हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या ये थोड़ा सा बीमार है? काफी अनस्टेबल सा लगता है, अजीब सी हरकतें करता है। ब्रावो ब्रावो, तुम भी उन्हें अच्छे लगे। नहीं जे जे बहुत अच्छा इंसान है, मेरा फ्रेंड है। हाँ वो थोड़ा अजीब है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हेलो, आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? देखिए मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ। अरे मेरा फोन बज रहा है, ये काफी जरूरी कॉल है, उठाना होगा। हेलो हेलो जे जे, क्या हुआ मिस आयहान? ये क्या था, क्या कह रहे हो, मुझे मिस क्यों कहा? मैंने ये सुनने के लिए थोड़ी कॉल किया था। ओह गॉड, मैं अपने स्वीटहार्ट को कॉल कर रही हूँ और ये सुनने को मिल रहा है मुझे, क्या है ये सब बताओ, अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? वाओ आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत जरूरी कॉल है, ठीक है मैं आपको जल्दी ज्वाइन करता हूँ। प्लीज आयहान, नहीं आयहान तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। हाँ सुनो जी जी सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट ड्यूटी दूंगी। क्या सीक्रेट? नहीं नहीं ऐसा मत करो, कोई सीक्रेट ड्यूटीज नहीं, पर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। सीक्रेट ड्यूटी ठीक है मैं सीक्रेट ड्यूटी करूंगा, तुम मुझे सीक्रेट एजेंट बना लो, सीक्रेट एजेंट बना लो मुझे। आयहान, लैला को फॉलो करना है। उसका पीछा कैसे कर सकता हूँ, ये तो वैसा ही होगा जैसे मूवीज में होता है। मैंने एक कार रेंट कर ली है, मैं कॉफी और डोनट लेता हूँ जैसे सीक्रेट एजेंट्स करते हैं। क्या मैं हैट पहन लूँ? हैट पहनता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वो, मैं उसमें बहुत हैंडसम भी लगूंगा। क्या कहती हूँ आयहान, हैट पहन लूँ ना मैं, बताओ? अरे वैसा नहीं जी जी, नजर रखनी है, एमरे और लैला क्या करते हैं उसकी खबर रखनी है। वो क्या कर रहे हैं, वो तो हमेशा हाथ में हाथ डाले बैठे रहते हैं। आयहान क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके पर्सनल लाइफ में दाग झाग करूं? आई एम सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। जी जी, लैला मेरे भाई के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। क्या वो तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है? क्या वो भी हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं, बताओ? मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, तुम उस पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे, ये बहुत जरूरी काम है, तुम समझ रहे हो ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को बुरा लगे, प्लीज इसे सीरियसली लेना और मुझे इन्फॉर्म करना। मैं फोन रखती हूँ, कस्टमर आई है। ओके हैव अ गुड डे आयहान। पहले हम एक दूसरे को बोलते थे पहले तुम फोन रखो, तब आई लव यू बोला करते थे, किसेस दिया करते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जैसे प्यार खत्म हो गया है, एक रूटीन बन गया है, हमारा रिलेशनशिप एक बहुत ही बुरा और घटिया बोरिंग रूटीन बन गया है, क्या करें? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे कुछ सोचना होगा ये कैसे हो गया, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या चल क्या रहा है, हाँ क्या चल रहा है? उसे सनम से माफी मांगनी होगी, पर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है सनम की? भाई उस आदमी से हम और डील नहीं करते हैं, इट्स ओवर। वो इतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है, वो जरूर कुछ गलत करने के चक्कर में, और चाहे जो भी हो जाए मेरे भाई, मैं वो चीज पता लगा कर रहूंगा। भाई प्लीज काम डाउन, तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। लेकिन तुम क्या कहोगे उससे, ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यूं ही जाकर उसके सामने तुम नॉर्मली बात कर लोगे, पहले तो वो बहुत अच्छे से बात करेगा जैसे सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर वो तुम्हें अपसेट कर देगा और फिर तुम अपना मेंटल कंट्रोल लूज कर देते हो और उसके बाद झगड़ा। हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है,
मुझे उससे बात करने दो शांति से। ओके, ट्राई कर लेना। जरूर, गो अहेड। उसके बाद हम बात करेंगे, पर हाँ दिमाग शांत रख के जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है वो खत्म करके मैं उससे मिलने जाता हूँ। साथ में मिसेस हुमा को भी लेकर जाओ, उन्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है, तो प्लीज लेकर जाना उन्हें भी। आई विल ट्राई। हाँ सनम बोलो। हेलो, हमारे पास बात करने के लिए कोई वजह नहीं है, मैं आपको पहले ही फॉर्मूला दे चुकी हूँ, अब आप मुझे बार बार कॉल करना बंद। सनम एक्चुअली बात ये कि तुम्हारे फॉर्मूला में जरा मिस्टेक है, इसलिए मैंने फोन किया। क्या मिस्टेक? ये हो ही नहीं सकता, मैं सालों से यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, हमने उसे लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की पर हमें सेम रिजल्ट नहीं मिला। या तो तुमने हमें रॉन्ग फॉर्मूला दिया होगा क्योंकि तुम्हें जान से डर लग रहा है, या फिर कोई मिस्टेक है। मैं रॉन्ग फॉर्मूला क्यों दूंगी? शायद आप कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। मिस सनम सुनो, मैं बहुत अच्छे ही लैब वर्कर्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है? उन्होंने कई बार इसे बनाने की कोशिश की पर रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप प्लीज आइए और हमें खुद बनाकर दिखाइए। मैं नहीं आ सकती वहाँ, मैं वापस लिख सकती हूँ और आपको भेज सकती हूँ। मिस सनम, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस है, ठीक है? और हमारे बीच में एक सीरियस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ आना ही होगा और ये करके दिखाना ही होगा। अगर आप बात से पीछे हट रही हैं, तो मुझे भी कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, है ना? अगर आप चाहो तो मैं मिस्टर जान को बता सकता हूँ, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है, यहाँ आना है? ठीक है ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सनम, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, कुछ कर रही थी, एक्चुअली कैंपेन को एग्जामिन कर रही थी पहले। अरे वो सारे बहाने छोड़ो, मिसेस हुमा तुमसे बात करना चाहती हैं। मिसेस हुमा? हाँ। ओके, मैं आ रही हूँ। हेलो, ठीक है, मैं लंच ब्रेक के दौरान आती हूँ और आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ये वाला क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मिसेस उमा, आई एम सॉरी। सुनिए मॉम, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ऑल राइट, आप कहीं बाहर जाना पसंद करेंगी? मैं ले चलता हूँ आपको। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, मेरे पास एक ड्राइवर है, तुम फिक्र मत करो, ओके? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, अब तुम इन चीजों की आदत डाल लो क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हैव अ नाइस डे। यू टू। सुनो, ये कौन से कैंपेन के लिए है? रेड बोर्ड मिस आइलैंड कॉस्मेटिक्स कंपनी। मुझे पता है तुम्हें ये कलर्स अच्छे लगे हैं। हाँ, काफी अनअट्रैक्टिव है, मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, वो काफी वीक लग रहा है, उसे मजेंटा टोन्स के साथ एनरिच करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मिसेस होमा, मैं इस कैंपेन की क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सनम और मिस्टर जान ने मुझे डायरेक्ट किया है तो। सनम, सनम, मिसेस उमा, आप मुझे याद कर रही थी? हाँ, सब काम कर रहे हैं, बस तुम काम नहीं कर रही। हाँ, मुझे आर्काइव रूम में कुछ काम था। यस ट्रू, मिसेस हुमा, सनम को आर्काइव रूम बहुत पसंद है, इसने वहाँ पर एक जगह बनाई है सबसे दूर, अगर आप इसे ढूंढ रही हैं तो ये आपको वही मिलेगी। हाँ, टाइम पास करने के लिए अच्छी जगह है। सॉरी, नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एक बात बताओ, क्या वर्किंग आवर्स में चाय कॉफी पीना एम्प्लॉयज के लिए फ्री है? ऑफ कोर्स, पर ये चाय मैं आपके लिए लाई थी। और कैंपेन के लिए ये कलर्स क्या तुमने चूज किए हैं? हाँ। ओह डियर,
चाय को रंग देना नहीं आता और कैंपेन को देने चली हो तुम। यस ट्रू। मुझे समझ नहीं आता कि कैंपेन की जिम्मेदारी तुम्हें कैसे दे सकते हैं। क्या मैं आपके लिए इसे रिवाइव करूं? लैला ने ये बजट मुझे दिया था और ये अप्रूव हो गया है। लैला? लैला एमरीज असिस्टेंट। ओ वो लैला, कहाँ है वो? वो अपने केबिन में होगी। लैला प्लीज तुम यहाँ आ सकती हो जल्दी। लैला काफी डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। सबको उसका काम बहुत अच्छा लगता है। मिसेस हुमा वांट्स टू स्पीक टू यू। यस प्लीज। क्या तुम ही फाइनल डिसीजन लेने से पहले बजट को अप्रूव करती हो? आप क्या बोल रही हैं मुझे समझ नहीं। वेल आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कंपनी कैसे चलती है। एक लेजी स्टूडेंट की तरह मत देखो लैला, जिसने हार्डवर्क नहीं किया हो। ये जो बजट है ये मिस्टर जान ने अप्रूव किया है। बहाने मत बनाओ प्लीज, बहाने मत बनाओ। क्या तुम दोनों बहने हो? हाँ। यस। मुझे लगा ही था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस हुमा को ये कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो रेड मोर कैंपेन के लिए चूज किए हैं। और कौन सी अथॉरिटी से? मैं ऑथराइज्ड हूँ क्योंकि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। सच में? साल में एक बार आके ऐसा करोगी? ब्रावो, सुपर परफॉर्मेंस। आइलैंड भी मुझसे अग्री करती है, ये गलत चॉइस है बिल्कुल। अच्छा yes? वो ये कह रही जो रॉन्ग चॉइसेस की एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने मेकअप के लिए खुद अपने कलर चूज कर सकती है, पर कैंपेन के लिए कलर्स चूज करना कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और वैसे आपको चाय के बारे में कुछ नहीं पता। गॉड ब्लेस यू सनम, थैंक यू सो मच। जॉन, जॉन, तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना। और जो लोग ये डिजर्व नहीं करते उन्हें अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। पर उन्होंने आप पर भरोसा तो किया था। ओके ओके थैंक्स। सबको मेरा हाय कहना ठीक है। रामी चाय? हाँ अभी लाता हूँ। कैसे हो इंजन? हेलो उस्मान। ससुर जी क्या बात है, आज आप बहुत शांत शांत लग रहे हैं। क्या वो आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है क्या, बताइए मुझे। मुझे पता है ये स्मॉल रिटेलर्स ना हमारा बिजनेस पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग समझते क्या है अपने आप को, वरना मुझे बताइए उनकी शॉप सिर्फ दो ब्रेड और चार अंडों पर कैसे चल सकती है। मैं बता रहा हूँ वो लोग धीरे धीरे ना सब जगह अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन पता है मैंने खुद अपनी आंखों से एक अंकल को एक कैफे में से दो शक्कर के क्यूब चुराते हुए देखा था। क्या मुझे? देखो तुम सारा डीप में मत घुसो, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा शांत रहो बस। ठीक है मैं शांत हो जाऊंगा, पर मैं शांत हो नहीं सकता क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। मैं तो बोलता हूँ इस पूरे मोहल्ले को तोड़कर एक बड़ा सा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, फिर सारी छोटी छोटी दुकानें डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाएगी, फिर देखना सब खुश होंगे और हमारा इलाका कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अंकल दूर दूर से लोग हमारे मोहल्ले में आएंगे और हमारे मोहल्ले में मंडराते रहेंगे और आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और चैन सुपरमार्केट, और इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता मुजफ्फर, कोई मतलब नहीं। अंकल मैं भी आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का ज्यादा फैन नहीं हूँ, लेकिन उस दिन यहाँ पर एक औरत आई थी और उसने मेरे दिमाग में ये बात बिठाई और मुझे उसकी बात में सेंस लगा। क्या बात है, क्या वो औरत उस दिन आई थी? सही कहा, वही औरत आई थी। वो औरत किसी महारानी से कम नहीं है, आपको पता है वो तो गली की बिल्लियों को भी पैसे बांट रही थी फेंक फेंक के। उस औरत में बहुत ताकत है अंकल, वो अपने पैसों से पूरे मोहल्ले को खरीद सकती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसका जादू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुजफ्फर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ पर वो यहाँ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है, उन्होंने मुझे खुद बताया ये बात। और पता है उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत से बड़े प्यार से मिस्टर मुजफ्फर कहकर बुलाया है, मेरे दिल को छू गई ये बात। मेरी मॉम और एहसान तो उसके पीछे भूखे भेड़ियों की तरह पड़ गए थे, पर उस औरत का तो मैं फैन हो गया। उसने उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया पता है आपको, पर पता नहीं मिसेस मैफकीबी को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत के बारे में किससे पूछूं, मुझे उसकी फीडबैक जाननी है। आपको पता है वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा मुजफ्फर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। अरे अंकल मैं भी तो आपसे यही बात कह रहा हूँ, लोगों को पहचानो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ जरा। हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतने पैसे कमाएंगे कि जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं रहेगी, पूरा मोहल्ला मधुमक्खियों की तरह हमारे आगे पीछे मंडराएगा,
I'm sure अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, पर धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। आकर मुझसे कहेंगे तुम बिल्कुल सही थे बेटे। सफर, ले तुम ठीक हो ना? हैं? तुम इंसान की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे थका रहे हो और पका भी रहे हो। क्या बताऊं, मेरे अंदर बहुत एनर्जी भरी पड़ी है। रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे बहुत पसंद है। इसमें कितना पैसा है, सच में बहुत पैसा है। जिंदगी बन जाएगी आपके, राजाओं की तरह जियोगे आप, बता रहा हूं मैं आपको। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तुम जाओ यहां से और कम से कम एक हफ्ते तक यहां मत आना, समझे ना? मुंह लेकर जाओ अपना। जैसा आप कहो, पर बाद में आप पछताओगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत पैसा है। कदम चालू। ओके सॉरी। लेला। जी जी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बोलो। बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत राज छुपे हुए हैं। क्या क्या कह रहे हो? अब सुनो, जब भी तुम ऑफिस में आती हो तो एकदम अलग चलती हो, ऐसे सीना तान के चलती हो, कॉन्फिडेंटली लोगों की आंखों में आंखें डालकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहती हो लैला। ये तुम क्या कह रहे हो जे जे? इसका क्या कनेक्शन है? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। लैला, बोलो जे जे। उस्मान का नंबर है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या काम है उस्मान से? तुम उस्मान से क्या कहोगे बताओ? अब तुम मुझे पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ लैला कि ये एक शूटिंग के लिए है। तुम उसे बताओ कि जब तुम लोग कैफे में मिलोगे, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि कहीं मिस्टर एमरे को ये बात पता ना चले और फिर प्रॉब्लम होने के बाद तुम ऐसे कहोगी कि क्या इसमें कनेक्शन है जे जे? तुम क्या कह रहे हो जे जे? इसका दिमाग खराब हो गया है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया लैला। ये खुशबू जरूर यहाँ कुछ पक रहा होगा। ये लोग एजेंसी में क्या क्या करते हैं? सनम कहाँ है? मिसेस मैफ्यूबे, आइए प्लीज। थैंक यू मिस्टर चार। मैं आपके लिए स्टफ कैबेज लीव्स लाई हूँ। आप क्या कह रही हैं? मुझे बहुत पसंद है। चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में खाएंगे। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम यहाँ आई है। क्या मेरी मॉम आई? हाँ सनम, और वो मिस्टर चांद के कैबिन में है। मिसेस हुलिया उनके पीछे जा रही है। मिसेस हुलिया कौन? मिस्टर चांद की मॉम। मिसेस ह्यूमा। मिसेस ह्यूमा। मिसेस ह्यूमा। हाँ मिसेस। जे जे बोलो, मिसेस ह्यूमा। मिसेस ह्यूमा। और अब मैं क्या करूंगी? एक काम करो, जाओ जाकर उन्हें चाय दे आओ और ऐसा जताओ कि तुम उन्हें देखकर सरप्राइज हो गई हो, यू नो। ठीक है, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये खाना वाकई बहुत ज्यादा डिलीशियस है मिसेस मैकबे। मुझे ये सब खाना है। मैं किसी से शेयर भी नहीं करने वाला, पर वैसे ये जो स्वादिष्ट आ रहा है, क्या आपने पिकल्ड कैबेज यूज किया? ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्ट फ्लेवर क्या है। तो बताइए ना, क्या डाला आपने इसमें? नहीं, इसमें लेमन जूस डलता है ना, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, उसका टेस्ट है वाकई बहुत अच्छा है। टू गुड। ओह, अच्छे से खाइए। वैसे मुझे न्यूज मिली थी, बहुत बुरा हुआ। सनम ने मुझे बताया था, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, सनम ने ही प्रॉब्लम बनाई और उसी ने आपको बताया भी। मैं कुछ समझी नहीं। मिसेस हुमा को कुछ पता नहीं, इसलिए वो अपने मन से कमेंट्स पास कर रही है, तो प्लीज उनकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, I'm sorry। नहीं, ये जरूरी नहीं। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं हूँ हुमा, जान की मॉम। मैं हूँ मैप की बे, सैनम की मॉम। मेरी भूख मर गई, मैं इसे बाद में खा लूंगा। But thank you very much for this। हाँ कोई बात नहीं, बाद में खा लेना बेटा। ये कितनी अजीब बात है ना कि आप यहाँ इतने सालों बाद आई हैं और अचानक आपकी कार सनम के मोहल्ले में जाकर खराब होती है। This is unbelievable। ये कितना मस्त कोइंसिडेंस है। आप वहाँ जान के तो गई नहीं थी। हाँ, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैडम देखिए, मैं आपसे मॉम आइए ना। कैसी है आप मॉम? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी।
लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम, अच्छा तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ्ड कैबेज लीव्स। स्टफ्ड कैबेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ्ड कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो कीजिए ना। मुझे नहीं खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो, उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ, लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है, मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद। हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपके यहाँ कोई दुकान नहीं होती, आपको भूखे ही सोना पड़ता है, ऐसी सोसाइटी है ना? बड़ी हाई सोसाइटी है। कंटेम्प्रेरी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ कंटेम्प्रेरी, पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा, ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो? हा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मैकबे। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए, मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। हेलो जीजी, क्या सिचुएशन है वहाँ, तुमने रिपोर्ट नहीं किया? अब तक तो कुछ नहीं आया, रास्ता बिल्कुल साफ है। क्या मतलब? ये मैंने कई बार मूवीज में सुना था एहान, तो मैं इसे यूज करना चाहता था बस। जी जी बकवास बंद करो, लीला और एमरे के रिलेटेड कुछ है क्या, रिपोर्ट करो। हाँ हाँ वैसा ही कुछ, पर फिलहाल मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो अब मीडिया से आई है एजेंसी में। वो कौन है? मिस्टर चान की मॉम मिसेस। हाँ वो यहाँ है, और वो यहाँ रहते हुए सनम और लैला को हर बार धमका रही है, बस धमकाती ही जा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और सारे चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ स्टफ कैबेज लीव्स लेके मिसेस मेव की बे भी आई है। अरे सनम तो अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में होगी, है ना? हाँ हाँ एहान, पर अब मुझे जाना होगा, मुझे उनकी लिप रीडिंग करनी है, मुझे जानना होगा कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है, अब मुझे फोन रखना होगा एहान। अच्छा ठीक है मुझे बताते रहना। मिसेस मैकबे प्लीज आइए। थैंक यू। और इस टेस्टी खाने के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने सच में, थैंक यू। तुम्हें पसंद आए ना, मैं फिर से बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है, उसे खाता है। मॉम आप कब आई यहाँ पर? जान मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊँ, उन्हें अभी बहुत डिमोरलाइज फील हो रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो दिन भर मुंह लटकाए फिरे। ठीक है मैं स्पोर्ट सैलून जा रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, है ना? ठीक है मैं अभी आती हूँ, मिलते हैं बाद में। वो औरत अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिलाती है बेटा, मैंने देखा है। मिसेस मैकबे गुड बाय। गुड बाय बेटा। देखा तो उसे कैसे यहाँ खाना ला रही है, कितना कितना ऑर्डिनरी और कितना बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, कितनी अजीब औरत है, और उसकी बेटी तो उससे भी बकवास। नहीं मिसेस हुमा, उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, दो दो बेटियां हैं और दोनों यहीं पर काम करती हैं। बेचारे मेरे बेटे, I'm really scared। इस वक्त तो वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे।
ये बहुत ही अच्छा है मिसेस हम। हाँ एग्जैक्टली, काम करते समय म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सच में जे जे, उफ तुम ये क्या बजा रहे हो? अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। वंडरफुल म्यूजिक, ब्रावो, म्यूजिक हील्स द सोल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर बात ऐसी है मिसेस हम, मुझे इसकी आदत है, मैं हमेशा म्यूजिक सुनता हूँ, ये तो आपको समझ ही रहा होगा। पर ये मेरे फ्रेंड्स के लिए नया है, तो उन्हें इसकी आदत नहीं है, आप समझ रही है ना? लेकिन मुझे पसंद तो है। उन्हें आदत हो जाएगी, डोंट वरी। बिल्कुल, मुझे आपकी फिलोसफी बहुत अच्छी लगी, समय सब कुछ ठीक कर देता है, समय बहुत बढ़िया होता है। सच कहूँ तो ये मेरा मोटो है, मैं तुम सबको ऊंचे लेवल तक पहुँचा दूंगी, ट्रस्ट मी। वी ट्रस्ट यू मिसुम। हाँ हाँ, वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोगों ने शोर मचा रखा है। सच में जे जे, क्या कर रहे हो? मैं चिल्ला रही हूँ, देखो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, जैसे अंदर से सुकून मिल रहा हो, बहुत ही कामनेस आ गई। यस, मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट भी मेरी ही तरह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये सब क्या है? हाँ, अभी बताता हूँ मिस डेरेन। ये एक्चुअली ब्रेमन थिंग है। हाँ, और अब से हमें इसे हर बार सुनना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटों के लिए, ठीक है ना? वंडरफुल वंडरफुल। गाइस, इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो, सभी सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक को फील करो, ठीक है? एंड हील योर सोल्स। मैं ये और नहीं झेल सकती, सही में मुझसे और नहीं होगा। क्या ये रोज होने वाला है? जे जे, ये सब क्या हो रहा है? जे जे, तुम ये क्या कर रहे हो? कैसा म्यूजिक है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। वो कम नहीं, म्यूजिक हाई कल्चर की निशानी है। यस yes. ये एक सेपरेटर है, ये म्यूजिक अमीर लोगों और कॉमन लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तुम रहती हो वहाँ ये सब नहीं सुनते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए जो ये सब सुनते हैं। इज्जत जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लोगों के साथ कैच अप नहीं कर पाती। तुम जाओ, मेरा कोट और बैग लेकर आओ। यू आर राइट, अभी लाया, अभी लाया। जी, बिल्कुल। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लैला, पुलिस प्लीज इसे बंद करो, पता नहीं ये क्या हो रहा है। देखिए, अब ये सब परफेक्ट है, क्योंकि मैं यही सब यूज करती हूँ। हाँ, यहाँ सब कुछ रेडी है, डोंट वरी, मैं कर लूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिस सनम, क्या आपने किया? क्या सब खत्म हो गया? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप चाहे तो हम साथ में लंच कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्या तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व की? हाँ, फॉर्मूला ठीक है? हमें समझ में आ गया कि हम बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ग्रेट वर्क। ये परफ्यूम परफेक्ट होना चाहिए, और इससे हम मार्केट में आग लगा देंगे, समझे? हम अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जल्दी करना, टाइम वेस्ट मत करना, हमने वो पहले ही किया है। गुड, चलो अब काम करो, ठीक है? गो अहेड। ठीक है, थैंक यू।
हाँ बोलो, क्या हुआ है? फैब्रिक के ऑफिस से बोल रही हूँ, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, यही बताना था। क्या सच में? हाँ, लैब में कुछ टाइम से कोई एक्टिविटी हो रही थी और फैब्रिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। मुझे पता चला कि कोई प्रॉब्लम थी लेकिन उसे सॉल्व कर लिया और फिर वो रिलैक्स हो गया और वो बहुत जल्दी में है। मैं समझ रहा हूँ, एक्सपेक्ट किया था उससे जल्दी हो रहा है ये सब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम सब कुछ डिटेल में बताओगी, मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और याद रखो मैंने तुम्हें हायर किया है, ओके? ऑफ कोर्स। इज एवरीथिंग ओके? फैब्रिक वो एक नया परफ्यूम बनाने वाला है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। इससे तो आपकी कैंपेन पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्या क्या होगा? हमें हमारा कैंपेन उससे पहले स्टार्ट करना होगा। सुना है कि वो परफ्यूम को लेकर कैंपेन करने वाला है। जल्द से जल्द हमें जान को इन्फॉर्म करना होगा। एग्जैक्टली। वैसे मैं एजेंसी जाने वाली थी, अगर आप चाहो तो हम उन्हें बता देते हैं, उन्हें प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। तुम उन्हें बताओ, मैं सीधा हमारे हेड ऑफिस में चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ओके? श्योर। फिर मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना? गुड। फिक्री हारी का कंपनी चलो। ने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है, इतनी भीड़। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, सच में गुड। जान वेलकम यार। थैंक्स जॉन। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड, मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, मेरे केबिन में चले। तो क्या न्यूज है, बताओ, मुझे जानना है। जान, फैब्रिक एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्रिक की एक मीटिंग से आ रहे थे तभी अचानक फोन बजा, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे दो मिनट। अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। सो और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होंगी। एग्जैक्टली जान, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे, फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी, वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ, डरा ना जाओ, अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है, हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली, वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है, हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनीम, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिन उनका जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। हाँ, क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन, देखो कुछ सोचने दो। अगर सीधा को अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है
चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगी? सनीम खुद को टॉर्चर मत करो, ढूंढ परी संभालो खुद को, जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो ऐसा मत सोचो, तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, थोड़े बच्चों जैसा है। हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। Hey, welcome, bro. Thank you, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था, मैं वापस जाऊँगा उससे बात करने। Okay, हाँ। जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्री एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है, वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाह, ये सुपर प्लान है, तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ, तुम्हारे बिना ये कभी guys, नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट, रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो, फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवरटाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो, हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है, मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस यस मिस्टर जॉन। ठीक है। यस यस। मुझे फुल एनर्जी चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड। ओके। ऑलराइट। ओके। जॉन, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं थैंक्स। लैला। हाँ बोलो। मुझे अभी मिसेस मेलाहाथ शॉप पर जाते हुए देखी। ठीक है, अब हमारा प्लान हम शुरू कर सकते हैं। चलो चलो शुरू करते हैं। वो कह रही थी कि उसे शादी करना है। हे ऊपर वाले, उसकी माँ ने तो उससे पूछा था नहीं, तुम कितने साल की हो? उसकी माँ को उससे पूछना तो चाहिए, क्या वजह रही होगी इतनी जल्दी फैसला करने की? आजकल के यंगस्टर ना सच में कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मॉम मॉम, डैड की तबीयत खराब हो रही है। वो घर पर है। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, रुको। हे ऊपर वाले, ये नहीं, नहीं आंटी, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया? आप यहीं पर रहिए प्लीज, हमें जाना है प्लीज, आप प्लीज मत आइए, हम लोग कर लेंगे सब कुछ, बाद में जो कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी, बाय। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? उफ, ये क्या हो रहा है? डैड। क्या हुआ बेटा? डैड बहुत बुरा। क्या हुआ? मॉम की तबीयत खराब है। कहाँ पर है? लैला का कॉल आया था, वो घर पर होगी शायद। घर पे? मैं भी कबे। नियात, नियात कहाँ हो तुम? नियात। निहात, तुम ठीक हो? निहात, बताओ क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? निहात, ये काम कर गया। ऊपर वाले का शुक्रिया, मुझे लगता है ये काम कर जाएगा। क्या हम डोर लॉक कर दें? हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो तुम बीमार नहीं हो? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं तो मेलियात के साथ थी। अच्छा। खोलो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, दरवाजा खोलो। हाँ लैला, सनीम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैं कह रही हूँ जल्दी खोलो।
मॉम मुझे अब जाना होगा, आप दोनों अच्छे से रहिएगा, लैला दरवाजा खोल देगी। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने देखा उन्होंने क्या किया है? हाँ, बचपना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलो, जब तक ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हम बैठ जाते हैं, क्या कहती हूँ? ठीक है, थैंक यू। जरा देखो उन्होंने कितना टेस्टी खाना बनाया है, कितना कुछ बनाया है। कितना प्यारा है, पर तुम्हारे जैसा टेस्टी खाना नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है मेरी जगह, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो फिर ठीक है, क्या हम बैठ जाएं? हाँ जरूर। कहाँ से मिली फोटोज? कितनी प्यारी फोटोज हैं। ओह, मैं कितनी यंग और ब्यूटीफुल थी। ऐसा मत कहो, तुम आज भी बहुत यंग। मैं ये सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अब नहीं हूँ। नहीं देखो ना, हाँ तुम यंग और खूबसूरत भी, इसके लिए भी। तुम ये इसलिए कह रहे हो ताकि मैं भी तुम्हारी तारीफ करूं? हाँ हाँ, एक मिनट में भी कभी खूबसूरत शब्द सुनने वक्त। अरे ये मत कहो, तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल बिल्कुल किसी शेर की तरह खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मेरा दिल करता है कि उनमें डूब भी जाऊं। और तुम्हारा चांद सा सुंदर चेहरा, जी करता है निहारती ही रहूं। मुझे शर्म आ रही है मेरे के बे, मेरे के बे, मुझे भूख लगी है। तो खाना खाओ ना। ये लोग तो काफी शांत है, वरना मॉम तो अब तक दरवाजा तोड़ चुकी है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो जरूर बातें कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं जान के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, मैं उस्मान को कॉल कर दूंगी, शायद वो आसपास ही होगा। मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। काम डाउन, काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, पर उन्होंने सिर्फ क्रिएटिव टीम को ही बुलाया है वहाँ पर। नहीं तुम मत आओ, मैं आती हूँ। ओह माय डियर, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर देना। हाँ? ध्यान रखना। ओ, मेरी प्यारी बच्ची, वो कितनी स्वीट थी ना। हाँ, और घर बेबी सेंट से भर गया था। देखो 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 इसे। हाँ तुम्हें याद है, बहुत जोर से बारिश आ गई थी और हमें इन्हें पिकनिक पर लेके जाना था और नहीं ले जा पाए थे। तुमने वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम जरूर ले जाओगे। हाँ, पर सनम ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था क्योंकि हम उसके डॉल साथ में नहीं लाए थे, पता है ना। बहुत ही जिद्दी थी वो। ओ मेरी प्यारी बच्ची, आके इतनी क्यों? मेरी बच्ची हमेशा से शांत थी। वो भी क्या दिन थे निहार, मेरे निहार। वापस ऐसा बर्ताव नहीं करोगे ना? हाँ बेबी के बे, बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, पता है मैं कितना घबरा गई थी जब उन्होंने तुम्हारी बीमारी का झूठ बोला। उन्होंने हमारे अच्छे के लिए किया बेबी के बे, हमारी मदद करने के लिए। वाकई में बहुत प्यारी है। सच कह रहे हो। निहार क्या हुआ? निहार, क्या तुम मेरी पीठ पर कब थेरेपी कर सकती हो? तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है? और सो उन बोरियों पर दुकान में जाके सो। अकड़ गई है।
आओ मैं तुम्हारी पीठ पर मसाज कर देती हूँ। आओ चलो, आओ मैं मसाज कर देती हूँ, पीठ अकड़ गई है ना तुम्हारी, चलो उठो। अरे आराम से, आराम से, नहीं, धीरे धीरे। आओ, सनम अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आ जाओ मेरे पास, मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। यू नो आई रियली मिस यू सो 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 मच। हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है पर ये 5-star होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती, आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जान, एमरे तुम क्या कहोगे? ओह नहीं 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 मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूं। मैं देखती हूं डार्लिंग। सनम ये जच रहा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ। मैं करती हूँ, चलो काम करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग वेलकम गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। ओके, यहाँ अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे कॉल किया, वरना मैं ही कॉल करता हूँ। ओ नहीं उस्मान, मुझे सिर्फ बाहर जाना था, हमने घर पर मॉम और डैड को अकेला छोड़ दिया। हाँ तो तुम मुझे यूज कर रही हो? ओ उस्मान ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आई है ना? मुझे रिग्रेट क्यों होगा, हे ऊपर वाले। तुमने मुझे बुलाया और मैं दौड़ा चला आया तुम्हारे पास। हाँ बिल्कुल। हाँ ये मैं क्या देख रहा हूँ, कितना खूबसूरत नजारा है, लव बर्ड्स, रोमियो और जूलियट। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? नहीं बोलोगे तो भी बैठूंगा। नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है मैं निकलती हूँ। चलो लैला मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, यहाँ बैठो, दो दोस्त मिलके गपशप करेंगे मिलके। लैला अकेले जा सकती है? हाँ मैं चली जाऊंगी, बस पास में ही तो है। वही तो, पास में ही तो जाना है और उसे रास्ता पता है ना। ठीक है घर पहुँचते ही कॉल करना। ओके ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है, घर पहुंचते कॉल करना। मेरे अजब दोस्त उस्मान की गजब प्रेम कहानी चल रही है, लेकिन लगता है कि इस बार कहाँ बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम उसकी तरफ देख रहे थे और वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, दोनों के बीच में आग बराबर लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है, और मैं सबको कहूंगा कि मैंने अपनी नजरों से ये प्रेम कहानी देखी है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द तुम लोग की एंगेजमेंट हो जाएगी, अंगूठी तैयार रखना। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने पहली बार नहीं देखा है। मेरी नजरों के सामने बहुत से आशिक एक होकर शादी कर चुके हैं, सच कह रहा हूँ। मुझे देखने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं लोगों की आंखों में देख के ही पहचान जाता हूँ। प्यार की शुरुआत तो हो गई है और वो तुम्हारे प्यार में भी पड़ चुकी है। देखना मैं जो कह रहा हूँ बहुत जल्द सच होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मेरी मोहल्ले की लड़की का दिल तोड़ा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ गए तुम?
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं उसे जिंदगी भर खुशियां ही दूंगा। हाँ सही है, मैं भी बस यही सुनना चाहता था तुमसे। चलो भाई इस बात पर पार्टी तो बनती है, और इसका सेलिब्रेशन ऐसे जूस पीकर नहीं बनाया जाता है। एक्सक्यूज मी भाई, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, ऑर्डर करना है। मॉम, आपको कुछ चाहिए? यस, रिस्पेक्ट। देखिए मॉम, आप सही हैं, पर आप तो भाई को जानती हैं। आपको पता है कि वो हर बार ऐसे ही रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स मैं जानती थी, मुझे तो लगता था कि इससे भी बुरा होगा, पर मैं नहीं जानती थी कि ये लड़की उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस करती है। हाँ बहुत, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे और भाई का रिलेशन अच्छा हो गया सनेम की वजह से। इसका मतलब तुम अपने भाई की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो? शुरुआत में मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन मॉम बात मेरे भाई की खुशी की है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, और आपको तो पता ही है कि वो वही करता है जो चाहता है। ठीक है, फिर हम वही करेंगे जो वो कहेगा। ओके, आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। वैसे अंदर मीटिंग चल रही है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। ओके ओके हनी, ओके। हाँ तो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे, और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गेस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा, क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया, हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम तुम चुप क्यों, कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मेबी। मिस्टर फैब्री काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम, वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोकस्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे, क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हमारा डियर, सॉरी सॉरी सॉरी, यस प्लीज। हाँ बोलिए। क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी, तुम्हारी फेमस चाय? जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। उस वक्त मेरे बाल देखो कितने लंबे थे। बहुत खूबसूरत, मेरे मेबी के पेपर है ना? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, सच में। हाँ इसे देखो, वो कितनी खुश है, वो हमेशा स्माइल करती थी, हमेशा। और उसके छोटे छोटे हाथों को तो देखो, हमारे घर की खुशी। कोई आकर इनको देखो, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। गॉड, मेरी खूबसूरत बच्ची। थैंक यू सो मच डैड। वेलकम मेरी बच्ची। अच्छा, क्या तुमने शॉप बंद कर दिया? सनीम ने कर दिया होगा। वैसे कहाँ पर है वो? ओवरवर्क फिर से। ओवरवर्क फिर से? हाँ, मैं कहे उसे छोड़ो ना, वो अच्छे से काम कर रही है। उससे अच्छा तुम मेरा ख्याल रखो ना। हाँ, मसाज वाकई में अच्छा था, पर कपिंग भी कर देना, फिर मुझे बेहतर लगेगा। दरवाजा खुल गया, हाँ वो कर सकते हैं, है ना? जाओ जाओ, कप लेकर जल्दी करो, कप लेकर। हाँ चलो जल्दी। मॉम वो छोटे कप में है ना? वही। हाँ, छोटे कप ना लेकर आओ। मैं आती हूँ। चार कप ले आना, कॉटन और फोक भी ले आना। तुम लेट जाओ ना निहार। हाँ पहले ब्लैंकेट ले आओ ना, ठीक है? अभी लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा लग रहा है। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी।
बॉन एपिटीट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू सन। मुझे चाय पसंद नहीं है पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। बॉन एपिटेट। जान, बर्फ पिघल रही है, आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी। ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से? अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखते हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। Hey, welcome, Jayda. Thanks, dear. मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो, पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, come on. How nice. ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी है। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है, आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइस, हाँ काफी लेट हो गया, तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यही रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला। दीदी है, अच्छा देखना तो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक है। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी, स्ट्रेस मत लिया करो। जान मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे पहले तुमने शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। मैं काफी क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग। बाय जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। हे, तो तुम कुछ पियोगी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं बना के ले जाता हूँ। ओह, ओह मिल्की वे। मॉम, मॉम उन्हें मत मारो। मॉम, अच्छा लगा। हाँ, माँ, मैं तो डर गई थी। उठो। अब आप दोनों वापस बहस नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो काफी लंबा चला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। तुमने जो किया ना, उससे तो मैं मरी जाती। कितनी ज्यादा घबरा गई थी मैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागते हुए घर आया। और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ये इसलिए किया ताकि आप ये समझे कि आप एक दूसरे के लिए क्या। हमारे बस में जो था वो सब हमने किया, है ना? हाँ, और हम कामयाब रहे। हाँ, ये आइडिया काम कर गई तुम्हारी। अब हम सब साथ साथ हैं, है ना निहार? हाँ, अब से कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है ना? कभी भी नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी खूबसूरत फैमिली दी। वाह, दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वाह वाह। वा।
मिसेस हुमा, विद योर परमिशन अब मुझे निकलना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। विद प्लेजर। आई थिंक हमें डिनर पर मिलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। मैं जान को भी बुला लूंगी। जरूर, मुझे नहीं लगता कि जान हमें ज्वाइन करेंगे। मेरा मतलब अकेले नहीं आएंगे। जब भी मेरी बात आती है तो सनीम उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। पर वो गलत भी नहीं है। वो तुम्हें अपना थ्रेट समझती होगी क्योंकि तुम इतनी ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो और वो एक बहुत ही घटिया लड़की। ओह यू आर सो काइंड, पर ये सब सफिशिएंट नहीं रहता है। मुझे लगता है कि तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। शायद। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही एक डिनर ऑर्गेनाइज करती हूँ सिर्फ हमारे लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। गुड बाय हनी, सी यू सून। मॉम? यस डियर। जेडा गई? हाँ। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातचीत करें, नहीं? आप बहुत थक गई होंगी। वैसे तुमसे एक बात कहूं, वो बहुत ही क्लासी है और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल सही। मॉम, मेरा भाई सनेम के साथ है। सबकी भलाई इसी में है कि आप अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लीजिए प्लीज। मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या ट्राई? आप उन्हें अलग करने की ट्राई कर रही हैं? ओह नो एमरी, मुझे बस ये लगता है कि सैडा उसकी एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड बन पाएगी। मॉम, ये मेरे भाई को डिसाइड करने दीजिए, आप प्लीज बीच में मत पड़िए। देखो एमरी, तुम्हारा भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है। वो प्यार में अंधा हो गया है। उसे लगता है कि वो लो क्लास लड़की के साथ खुश रहेगा, तो उसकी फैमिली होने के नाते हमें भी कुछ करना चाहिए। उसे ये बात रियलाइज करवानी चाहिए। इस बात पे मैं आपको सपोर्ट नहीं करता। पर उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है जैसे वो लड़की जेन्युइन नहीं है। जैसे क्या? ऐसा मुझे लगता है। आप उससे ऑब्सेस्ड हो गई हैं? नो नॉट एट ऑल, मुझे अपने इनसाइट्स पर यकीन है। कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं इस बात का पता लगा लूंगी। गुड नाइट हनी, सी यू टुमारो। गुड नाइट। सनीम, हमारी बात नहीं हुई, कैसा रहा वहाँ पर सब? हुमा वहाँ पर आई थी क्या? हाँ वो आई। उन्होंने फिर से तुमसे बैड ट्रीट किया? हाँ नहीं नहीं, पर वो ज़्यादा के काफी करीब है, उन्होंने उसे। अरे ये काफी अनोइंग है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करती हैं। तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ है। नहीं नहीं, सिर्फ ये चीज मुझे परेशान नहीं कर रही। आज पूरी रात हम फैब्रिक के नए परफ्यूम के बारे में बात कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने परफ्यूम दिया मुझे है? मुझे नहीं पता हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। शायद हमें उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। मैं नहीं बता सकती, मुझे डर लग रहा है और चीजें दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। मैं सच को छिपाना भी नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला। अब मैं क्या करूं लैला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सनीम, ऐसा मत सोचो। उस दिन जो भी सही था तुमने वही किया है, वरना जॉन को सजा मिलती थी। पर शायद नहीं, और मैं बहुत घबरा गई थी और मुझसे ये गलती हो गई। नहीं सिर्फ वही नहीं, अगर फैब्री ने कंप्लेन पीछे नहीं ली होती तो कंपनी का नाम खराब हो जाता, जो उसके कस्टमर्स को अफेक्ट करता था। सनीम, ये रेड मोड कैंपेन ने अपनी कंपनी को रिकवर किया है। तुमने सिर्फ जान को ही नहीं एजेंसी को भी बचाया है, समझी तुम? ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जान मुझे माफ कर देंगे। अब मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। और अब हमारे पेरेंट्स खुश हैं तो खुश होने का मौका भी है। हाँ हाँ, हमारा प्लान काम कर गया है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ तो प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम जब तक पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, मैं आपकी न्यूज के लिए वेट करूंगा। ओके, या यू हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? माउंटेन हाउस में है ना? हाँ, जब तक मॉम नहीं चली जाती मैं वहीं रहने वाला हूँ।
भाई तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो हमारी मॉम है। एमरे मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन एमरे प्लीज इस सब बारे में हम बात नहीं करते। मैं खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, डिप्रेस नहीं होना चाहता हूँ। चाहिए रिंग है? हाँ आज मैं उसे प्रपोज करूंगा, माउंटेन हाउस में अरेंजमेंट किया। लेकिन भाई क्या ये प्रॉपर टाइम है? हाँ ये तो अच्छा टाइम है, कल मैं फोटो देख रहा था और मुझे ख्याल आया। ये देखो यही फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी फोटो है। हाँ ये अच्छा है, ये हमारे फैमिली की साथ में आखिरी फोटो थी और देखो हम कितने खुश थे। लेकिन इस फैमिली ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया और कुछ भी नहीं, यू नो डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि प्यार या किसी पर भरोसा करने की यही कीमत होती है। फिर मैं सनम से मिला और मैं ना अब सच में दोबारा खुश होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आ जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। सी यू। लैला, विश मी लक। ओके ऑल द बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी, हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑलराइट, आई एम सो स्ट्रेस्ड। सनीम मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है, मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है, अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है ठीक है, आती हूँ। सनम सनम अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना, वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ जाना, तुम्हें पता तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है जान। मिस एमरे, आप सनीम से क्या बातें कर रहे थे मुझे जानना है, क्या वो इम्पोर्टेंट है? आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है मेरे केबिन में चलो मेरे साथ। नहीं बैक स्ट्रीट के बिल्डिंग में जो कैफे है वहां मिलते हैं हम लोग, तुम पहले जाओ। दोनों को अरेंज करना होगा और वो भी मुझे ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर आ गए एमरे? मुझे लगा आपको रेस्ट की जरूरत है। ये वक्त है क्या आराम करने का? हमें बहुत से काम है और आइलैंड मेरी मदद करेगी इसमें। आइलैंड डियर, ठीक है, हैव अ नाइस डे। वो बाहर नहीं जा रहे मिस्टर एमरे, बाहर नहीं जा रहे। लैला बाहर गई पर मिस्टर एमरे तो यहाँ है। हेलो, हाँ एहान बोलो। हेलो जे जे, बोलो कुछ मिला क्या? क्या वो करीब आए? नहीं रुको, मिस्टर एमरे अभी अभी उसके पीछे जा रहे हैं। कौन कौन किसके पीछे जा रहा है? लैला जस्ट एजेंसी के बाहर गई और मिस्टर एमरे भी अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस होगा, जरूरी नहीं कि वो यहाँ मिलेंगे। शायद नहीं, तुम उनके पीछे जाओ और चेक करो। कहाँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ? कैसे कैसे मैं ये कैसे करूँगा बताओ? तुम वहीं क्यों खड़े हो? जाओ जो मैं कह रही हूँ करो। नहीं रुको रुको, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो क्या होगा? ओ यहाँ तो बहुत ठंड है, मिस्टर अमेरिका है, बहुत ठंड है। मिस्टर एमरे कहाँ गए? कहाँ गए वो? ये किसका कोट है? किसी और का कोट पहन लिया मैंने। मिस्टर एमरे तो यहाँ है।
क्या हुआ मिस्टर एम्ब्रे? I'm so worried, बताइए। देखो, दरअसल कल मैं फैब्रिक की कंपनी में गया था और पता है मुझे वहाँ सनेम दिखी। सनेम ने फैब्रिक को उसका परफ्यूम दिया है ना? हाँ। लेकिन क्यों? मिस्टर जान के लिए। आयहान सब्र करो सारा। हाँ बोलो आयहान। हेलो जी जी, वो क्या कर रहे हैं? वो अभी कैफे में मिल रहे हैं, मैं उन्हें चुपचाप देख रहा हूँ, मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो वो छुप छुप कर मिल रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुम्हें और कुछ बताती हूँ, प्लीज तुम ये फेवर मेरे लिए करोगी? प्लीज तुम उनकी फोटो ले लोगी क्या? ओके आयहान, मैं उनकी फोटो ले लूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय, बाद में बात करते हैं। ओके, थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ, पर उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, एक बार तो वो मुझसे कहती। सनीम को बहुत बुरा लग रहा है, वो चाहती है कि वो सब कुछ मिस्टर जान को बताए। उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, भाई को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। और आज वो सनीम को रिंग देकर प्रपोज करने वाला। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर अगर उसे पता चला कि उसने अपना परफ्यूम फैब्रिक को दिया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, पहले तुम सनीम को कॉल करो। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी है, मेरे भाई का क्या होगा जब वो ये फोटो देखेंगे? मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि उस पर ट्रस्ट मत करो। ये तुम बहुत सूट करता है, अच्छे दिनों में इस्तेमाल करना। अब मैं क्या करूं? अरे अयान, आखिर कब है एंगेजमेंट, बताओ। कैसे एंगेजमेंट? अरे मुजफ्फर ने रात में मुझे बताया था कि उस्मान और लैला दोनों एक साथ बहुत करीब दिखे थे। चीजें बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती हैं, समझी तुम? तो साथ में था, उससे क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पीने गई थी और आज हमारे 3 बच्चे हैं। क्या बात है, हाँ चीजें ऐसे ही तो शुरू होती हैं। आप लोगों को इन बातों पर इतना क्यों इंटरेस्ट है, समझ नहीं आता। उस्मान हमारे मोहल्ले का बच्चा है और वो कितना सक्सेसफुल है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसे। आपको जलन हो रही है क्या? आप हर बात से जलती हैं। अरे नहीं, हम तो बस क्यूरियस हैं। लैला का उसके बॉस के साथ चक्कर ना हो, वो उसे अक्सर कार में लेकर आता जाता था, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तुम्हें पता है? अरे हाँ सही है, वहाँ एक आदमी। मेरा भाई और लैला कई सालों से दोस्त हैं, समझ में आया? मैं जा रही हूँ अब यहाँ से, गुड बाय। हाँ बिल्कुल सही कहा, दोस्त सिर्फ दोस्त है। मैं मैफ की वजह से जाकर पूछती हूँ, तुम यहीं पर रुको, शॉप पर रुकती हूँ, तुम जाओ। मैं बस अभी आती हूँ सारी जानकारी लेकर। ओहो, कितना सामान बिखेर रखा है, ये सब कुछ अच्छे से संभाल के रखना होगा। अरे गुड मॉर्निंग मेरी पड़ोसन। तुम्हें देखकर मॉर्निंग गुड नहीं बैड हो जाती है। मैं यहाँ तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की? अरे तुम्हें पता नहीं, हर कोई लैला और उस्मान के बारे में बात कर रहा है। क्या हुआ उनको? मुझे क्या पता है, एंगेजमेंट शादी मुझसे बेहतर तो तुम जानती होगी। लेकिन ब्रावो, तुम बहुत होशियार निकली, जब तक वो एक बुचर था तो उसकी कोई कीमत नहीं, और अब जब वो फेमस हो गया है तो तुमने सोचा हाथ से ना निकल जाए, इसलिए तुमने उसको लपक लिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जब देख लो कुछ ना कुछ बोलती रहती, आज तेरे मैं चक 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 करके टुकड़े कर दूंगी, समझी तू? तुम खुद ही एक नंबर की शैतान खोपड़ी हो, बहुत ही चालाक हो, मानना पड़ेगा। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चुगलखोर हमेशा चुगली करती रहती है। ताकि तुम्हें न्यूज़पेपर से पता न चले। कहा भाग यहाँ से। सांस अटक गई है। वो फोन नहीं उठा रही, मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा उसने। वो रोज रात अपना फोन साइलेंट पर रखती है, लगता है उसे रिंग पर करना भूल गई होगी। मैं अपने भाई को कॉल करूं, पर मैं उसे कहूंगा क्या? उसे बताइए कि अर्जेंट काम है मुझे। गुड आइडिया। अनरीचे बुला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या करें? एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? माउंटेन हाउस में, हमें सनम से बात करनी होगी, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। ठीक है चलो। पता नहीं भाई कहाँ चला गया, जाने से पहले उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था। नहीं कुछ नहीं, वो शूटिंग से आया और फिर से बाहर निकल गए, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मैं उन्हें फिर से एक बार कॉल करती हूँ। हेलो, कैसे हो? अरे भाई, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, कहाँ थे? हेडवेसर के पास गया था, रात की तैयारी करनी थी ना। किसकी तैयारी? मैं लैला को डिनर पे ले जाने वाला हूँ, अगर वो अवेलेबल रही तो।
मैंने एक फैंसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी कर लिया है और ये खरीदा है उसके लिए। क्या वो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है उसे पसंद आएगा। हाँ, वो डिजर्व तो इससे भी अच्छा करती है, लेकिन मैं यही अफोर्ड कर पाया। और शॉप में सब कैसा चल रहा है? बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। हम कब पहुंचेंगे? कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अब तो मुझे टेंशन हो रही है, कहीं हमें देर ही ना हो जाए। डोंट वरी, पहुंच जाएंगे। उठा लीजिए उन्हें, आपसे जरूरी काम होगा। हाँ बोलो आइलिन। वो एक्चुअली मैं इस वक्त बिजी हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम तीनों आज डिनर के लिए जाएं। तुम रिजर्वेशन कर दोगे प्लीज? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना है। बाय द वे एमरे, ये तुम्हारी मॉम की रिक्वेस्ट है। आइलिन आई एम बिजी, ओके आई विल कॉल यू लेटर। लैला, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछूंगी, मुझे सच सच जवाब चाहिए। उस्मान और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? उस्मान के साथ? हाँ उस्मान के साथ, बस मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हाँ मॉम, हमारे बीच में कुछ स्पेशल है, हम डेट कर रहे हैं। आज रात मुझे तुमसे बात करनी। ठीक है मॉम। हाय मेरी बच्चियाँ, क्या होगा? लैला। हाँ बोलिए ना मिस्टर एमरे। उस्मान और तुम डेट कर रहे हो? मिस्टर एमरे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लैला। मिस्टर एमरे, फिलहाल मुझे सनीम की फिक्र है, सो प्लीज हमें सनीम और मिस्टर जान को ढूंढना होगा। ठीक है, ऑलराइट। जरा तेज गाड़ी चलाइए। मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ, सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इसे सॉल्व करने दो, तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे ना। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया, चलो चलते हैं। जान, जान मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, आप मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं कभी नहीं, बोर क्यों हो जाऊंगी। Çok güzel belki ama
तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जॉन, जान, ये स्टोन? हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था, क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ, और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रांग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? La 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 la